स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। देखिए, क्वेश्चन है इफ एफ इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, वेरीफाई दैट डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई। इट मीन्स एफ का हमें क्या करना है, डबल डिफरेंशियल यानी सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, किसकी रेस्पेक्ट, एक्स यानी डेल वाई डेल एक्स। इसका मतलब है कि हम एफ का पहले एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल, उसके बाद वाई के रेस्पेक्ट। इधर राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं हमें क्या करना है, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है या पार्शियल डिफरेंशियल करना है। पहले हम वाई के रेस्पेक्ट करेंगे, जब वाई के रेस्पेक्ट हो जाएगा उसके बाद हम एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। गिवन दैट एफ इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो हम फर्स्ट करते हैं पी डी डब्ल्यू आर टू एक्स मीन्स पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल करते हैं पार्शियल, तब हमें वाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना होता है, यानी कि वाई को हम कांस्टेंट मानते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, हमने कहा पार्शियल डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट, देखिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स क्या है, वाई अपॉन एक्स, तो हमने लिखा वन प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर। चूंकि वाई अपॉन एक्स को हमने एक्स मानकर किया है, तो वाई अपॉन एक्स का डिफरेंशियल फिर करना होगा, यानी डेल अपॉन डेल एक्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है ना, तो देखिए इसको हमने सॉल्व किया इनटू वाई अपॉन एक्स का पार्शियल डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट, चूंकि वाई कांस्टेंट होगा तो वन अपॉन एक्स का करना होगा केवल, और वन अपॉन एक्स का क्या होता है, माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये वाई कांस्टेंट की तरह ये लिखा रहा, इसका पार्शियल डिफरेंशियल हुआ माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ एलसीएम लिया हमने, इसको सॉल्व किया, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या रहा, सिंप्लीफाई होकर आया आपका माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये क्या हुआ आपका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हमें अब क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई। जो हमने एक्स के रेस्पेक्ट यानी वन टाइम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किया, उसका हमें फिर वाई के रेस्पेक्ट करना है। क्यों, क्योंकि हमें सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसमें जब हम डेल अपॉन डेल वाई ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर एफ डेल वाई यहाँ आ जाएगा और डेल एक्स ये। ठीक है ना, तो जो बाद में लिखा होता है उसके रेस्पेक्ट हम पहले करते हैं, ये हम बता चुके हैं। हाँ, इसका करेंगे भाई, कैसे करेंगे, न्यूमरेटर वाई डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर छोड़ा इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, देखिए न्यूमरेटर माइनस वाई है, इसका डिफरेंशियल होगा माइनस वाई, फिर माइनस फॉर्मूले में माइनस वाई को आपकी न्यूमरेटर छोड़ा, डिनोमिनेटर का करना है, इसका करना है, तो इसका क्या होगा, इसका जीरो बाई स्क्वायर का टू वाई। ठीक है, डिफरेंशियल समझ में आया होगा, कौन सा फार्मूला, अंश बटे हर का, जो डिवीजन वाला फार्मूला होता है न्यूमरेटर वाई डिनोमिनेटर, उसको हमने यहाँ अप्लाई किया है इसका डिफरेंशियल करने में वाई के रेस्पेक्ट। इसको हमने सॉल्व किया, खुद करना ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, सॉल्व होकर आपका आंसर आया, देखिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर टू दे दिया गया। आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन था एफ, उसका पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई के रेस्पेक्ट हम पहले करेंगे, उसके बाद एक्स के रेस्पेक्ट। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू
वन अपॉन वन प्लस वाई अपॉन एक्स का, यानी इसको वाई मान के किया हमने, क्या था फंक्शन, ये देख लिख ले रहे हैं, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये था आपका फंक्शन। हमें क्या करना है, वाई के रेस्पेक्ट करना है, तो क्या करेंगे हम, इसको वाई मान लेंगे, टेन इनवर्स वाई वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, डेल अपॉन डेल वाई, वाई अपॉन एक्स का डिफरेंशियल करना है, तो वाई अपॉन एक्स का किसके रेस्पेक्ट करना है, वाई का, तो जब हम वाई के रेस्पेक्ट करते हैं तो एक्स को कॉन्स्टेंट मानते हैं, तो केवल वाई का करना है, वाई का डिफरेंशियल वन होता है, देखिए वन हो गया, एक्स कॉन्स्टेंट की तरह लिखा रहा, और इसको हमने सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया और एक्स स्क्वायर आ जाएगा न्यूमरेटर में, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, एक्स अपॉन एक्स, ये क्या हो गया, डेल एफ अपॉन डेल वाई। हम इसका फिर करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला, इधर हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई, यहाँ से देख लीजिए, ये आया आपका डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हम एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे, तो ये न्यूमरेटर एक्स है, डिनोमिनेटर वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी अंश छोटे हर, ये अंश है ये हर है, तो क्या करते हैं डिफरेंशियल करने में, हर का होल स्क्वायर, हर को छोड़ते हैं अंश का करते हैं माइनस, अंश का डिफरेंशियल हर को, अंश को छोड़ते हैं हर का डिफरेंशियल, तो डेल स्क्वायर एफ अपन डेल एक्स डेल वाई, देखिए डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को छोड़ा इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, न्यूमरेटर एक्स है, एक्स का डिफरेंशियल वन होता है यू नो, माइनस न्यूमरेटर छोड़ा यानी एक्स, इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल, डिनोमिनेटर ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, वाई स्क्वायर का जीरो, क्योंकि वाई कॉन्स्टेंट है, इसको सॉल्व किया ये आ गया, ठीक है, तो हमने देखा इसको इक्वेशन नंबर थ्री दिया, और हमने देखा फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री दोनों वैल्यू सेम आई है, ये देखिए थ्री में क्या है आंसर, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर टू में देखिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ये वाला डिफरेंशियल और ये डिफरेंशियल दोनों कैसे हैं इक्वल, ये आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है, देखिए आगे एक और क्वेश्चन, इफ यू इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स वाई डिवाइड बाई अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, शो दैट डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू दिस, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं होता आंसर, गिविन दैट हमें यू फंक्शन दिया है, यहाँ देखते हैं हमें पहले वाई के रेस्पेक्ट करना है, क्योंकि डेल वाई बाद में लिखा है, डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स डेल वाई, पढ़ेंगे ना डेल एक्स डेल वाई, तो जो बाद में है उसका रेस्पेक्ट पहले है वाई के रेस्पेक्ट, क्या करेंगे इसको पूरे को वाई मान के करेंगे, देखिए वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह ये पूरा फंक्शन इंटू डेल अपॉन डेल वाई, सॉरी यहाँ वाई होगा क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट, देखिए हम जब वाई के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से करेंगे, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर ये लिखा और एक्स वाई का डिफरेंशियल न्यूमरेटर का, तो एक्स तो कांस्टेंट है क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, वाई का वन हो गया, तो एक्स हुआ एक्स वाई का डिफरेंशियल, एक्स हुआ माइनस एक्स वाई छोड़ा, किसका करेंगे डिनोमिनेटर का, इसको पूरे को वाई मान लेंगे, अंडर रूट वाई का क्या होता है वन अपॉइंट टू अंडर रूट वाई, और जिसको वाई माना उसका डिफरेंशियल फिर करेंगे, तो वन का जीरो एक्स स्क्वायर का जीरो वाई स्क्वायर का टू वाई, क्योंकि एक्स कांस्टेंट वाई के रेस्पेक्ट कर रहे हैं इसलिए वन कांस्टेंट होता ही है वाई स्क्वायर का टू वाई, ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन है, देखिए होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये होल स्क्वायर ही डिफरेंशियल कर लिया, क्योंकि इसका एलसीएम लिया हमने, ये टर्म ऊपर आई और नीचे ये रहा मल्टीप्लाई, देखिए कैलकुलेशन आपको करनी है, अब क्या करना इसमें क्या करना है ये देख लीजिए, यहाँ क्या किया हमने इसको सॉल्व किया, इसका एलसीएम लिया वन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एलसीएम लिया, तो
इसकी मल्टीप्लाई यह हो जाएगी, ये आ जाएगा माइनस, और यहाँ से देखिए क्या, टू से टू कैंसिल, वाई और एक्स वाई रहा, एक्स कॉमन गया, ये कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से ये एक्स कॉमन, यहाँ से एक्स, केवल वाई रह गया, और वाई ये वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, केवल आपको टर्म समझनी है, ये इंटू ये, यानी इसका डिफरेंशियल हमने ये लिखा, और फिर हमें इसका डिफरेंशियल ये समझना है, बाकी फिर क्या है कैलकुलेशन, इसको सरल करना है। देखिए ये आ गया था लूप पे, एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे जो हमारी टर्म थी उसके फैक्टर हो गए, कौन सी टर्म थी, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देख सकते हैं आप दोबारा से, ये है, मैं समझा देता हूँ। देखिए ये वाली टर्म इससे कैंसिल, क्योंकि तो ये होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ये ऊपर जाएगा कैंसिल, यहाँ से बचा वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया, और एक्स तो ये रहा एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, डिनोमिनेटर में ये रहा, इसके फैक्टर कर दिए गए, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर, ये ठीक है, फैक्टर आप जानते ही होंगे, ये रहा देखिए ये कैंसिल, एक्स रहा ये रहा, ये कहाँ से आया ये भी देख लीजिए, ये आपका ये टर्म कैंसिल हो गई, तो ये वाला जो अंडर रूट है ये आ गया नीचे, तो यहाँ से एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई दिस, और यहाँ से रहा वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाइस वन प्लस वाई स्क्वायर, ये आप देख रहे हैं ये टर्म, ये कैंसिल, ये रहा। अब हमें एक्स के रेस्पेक्ट और करना रहेगा, तो आप सिंपल देखिए, जब एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये टर्म कांस्टेंट, इसको छोड़ देंगे, केवल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला एक बार और अप्लाई करेंगे, जो कि आप इजीली कर सकते हैं। देखिए न्यूमरेटर का हो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करने में अंडर रूट कैंसिल, डिनोमिनेटर छोड़ा, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल वन माइनस न्यूमरेटर छोड़ा, डिनोमिनेटर का ये वन अपॉइंट टू अंडर रूट दिस इंटू टू एक्स, जो अभी हमने पीछे किया वैसा ही फॉर्मूला है। और देखिए इसको कैलकुलेशन करनी है आपको, यहाँ आके आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको सेल्फ करना है, तो यहाँ आपका आंसर। ठीक है।